7-8 साल में ना बने पुल, ये मेन तो यही है ना कि पुल बड़ा इम्पोर्टेंट है अगर इस गांव के लिए ना। नमस्कार दर्शकों, हिमाचल अभी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ काजोल चौहान। देहरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसा भी गांव आता है जो 6 महीने के लिए पूरी तरह से डिलिंक्ड हो जाता है अपनी विधानसभा की अन्य इलाकों से, और नंदपुर इस क्षेत्र का नाम है। लोगों की दिक्कतें बहुत सारी है, लेकिन सिलसिलेवार तरीके से बात करेंगे, उपचुनावों पर भी बात करेंगे कि अब जब उपचुनाव इनके सर पर आ ही गए हैं तो अब इन मुद्दों को लेकर किस तरह से ये देख रहे हैं। कितनी उम्र है आपकी? 21। इस बार वोट करेंगे आप? इस बार वोट करूंगा। क्या लग रहा है कि किस तरफ वोट होना चाहिए एक यूथ का? मतलब हम भी अपने, एक तो नौकरी का इशू है, डेवलपमेंट का, अब यहाँ पे जो पुल का मेन इशू है, क्योंकि अगर एक मेन हॉस्पिटल है टांडा हॉस्पिटल, अगर ये पानी चढ़ गया ऊपर तो मतलब टोटली 16 महीने के लिए बंद, और 10 किलोमीटर का डिस्टेंस हमें बढ़ जाता है। तो यहाँ से कम इतने भी शॉर्ट डिस्टेंस में हम आज रास्ते में पहुँच जाते हैं। तो यही इशू है कि हम कॉलेज जाते हैं, और हरिपुर कॉलेज है हमारा, तो अगर पानी चढ़ गया बस फिर 6 महीने तक पैदल ही, मतलब उस पुल से हाँ जी। तो एक बस ये है कि जो पुल है ना वो बड़ा इम्पोर्टेंट है यहाँ के। तो वो बना क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं, अब ये वैसे पॉलिटिक्स यही है। हाँ, एक जब आए थे होशियार सिंह, मतलब शुरू हो गया काम, अब काम देखते हैं ना, मतलब इतना धीरे काम, मतलब 7-8 साल उम्मीद 7-8 साल में भी ना बने पुल, ये क्योंकि मेन तो यही है ना कि पुल बड़ा इम्पोर्टेंट है अगर इस गांव के लिए ना, लेकिन वो बन नहीं रहा। तो अभी क्या लग रहा है, बदलाव देखेगा या फिर साथ चलेंगे होशियार सिंह के? अब देखते हैं, अभी सोच नहीं, अभी तो आ रहे हैं होशियार सिंह, बात करेंगे फिर उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। नमस्कार जी, आपका नाम जानना? मेरा नाम है एक्समैन दीन मोहम्मद जी। जी, नंदपुर के रहने वाले हैं आप, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में होशियार सिंह के इस्तीफे से? सबसे पहले कितना है खुश ना खुश? नहीं, हम इसके बारे में नहीं बता सकते किससे खुश है किससे नहीं है। इधर जो भी आता है अपना काम चलाता है, और यहाँ पर कोई कुछ नहीं देखता है। हमारा देख लो 24-48 घंटे हो गए, लाइट कोई यहाँ पर नहीं है, किसी भी पब्लिक से पूछ लो लाइट नहीं है। तीसरे दिन पानी आता है, उम्र मेरी 63 साल हो गई है, तीसरे दिन पानी आता है, कंटिन्यू पानी नहीं आता है। ठीक है, चौथा भी पांचवा दिन भी हो सकता है, हो सकता है हफ्ता भी चल जाता है। ठीक है, सड़क की सुविधा आपने देख ली है, कितने भी MLA आ गए सांसद आ गए जीत के चले गए, सड़क आप देख ही रहे, आप खुद आ रहे हैं, और किसी भी पब्लिक को पूछ ले पानी बिजली सड़क सुविधा नहीं है, तो हमने इलेक्शन से क्या लेना देना, हम तो मारेंगे नोटा। ठीक है, जो मर्जी आ जाए MLA से हमारे को लेना है, हमने मार्बल डलवाना नहीं है, लेकिन ये पब्लिक का रास्ता है, पब्लिक के लिए पानी मिलना चाहिए, बिजली मिलनी, सुविधा ये होनी चाहिए, और क्या सुविधा होनी है इसमें? तो कोई कुछ नहीं, यहाँ पर कोई नहीं देखता है, जो आता अपना काम चलाता है, बन गए पानी। पुल का एक बड़ा इशू है आपका? पुल का बहुत इशू है, इसमें कई रोड़े डालने वाले हैं, कोई काम लगाता कोई बोलता मैं ना लगाया, कोई बोलता किसने लगाया, कोई बोलता किसने लगाया। एक कई साल के इसका टेंडर हुआ है, तो जो इधर बन जाता बोलता मैं ना काम लगाया, दूसरा कोई आता है वो बोला मैं काम लगाया। अब इलेक्शन आने वाले हैं, उपचुनाव हो रहे हैं, इसमें कोई एक और तीसरा मेरे जैसे खड़ा हो जाएगा कि वो ले आएगा उसका कोई समरी निकाल के कि ये मैंने शुरू कराया था काम, तो हमारे को ये नहीं पता चलते ऐसे पुड़िए का काम शुरू किसने कराया किसने खत्म कराना है। नहीं, मुझे आप बताया उपचुनाव से खुश होने चाहिए थे क्या? नहीं, उपचुनाव से मेरे को कोई लेना देना नहीं है, उपचुनाव 1.5 साल के बाद उपचुनाव होगी क्यों, दिक्कत क्या है इसमें, मेरे को पहले बताओ बात। उपचुनाव 1.5 साल के बाद उपचुनाव हो रहे हैं, उसका कारण भी होना चाहिए, वो तो वही जो बना हुआ कैंडिडेट वो ही बता सकता है कि मैं 1.5 साल के बाद क्यों इस्तीफा दे रहा हूँ, जो क्या कर रहा हूँ, उसको होना चाहिए ना। हमारे को इससे कोई किंतु नहीं है कि क्यों हुई उपचुनाव। पूर्व विधायक तो कहते थे कि बड़ा विकास करके गए हैं। मैम सबसे पहले राजनीति छोड़ो क्योंकि डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, राजनीति में क्या होता है कि एक दूसरे पे वही होता है कि हम इसको बोले हैं उसको बोले हैं, बट हमारे लिए क्या है ना, हमारे PSC है ना, सड़क है ना, बिजली है ना, बिजली है ना पानी है, तो तीनों, क्योंकि क्या होता है कि सड़क बिजली पानी चाहिए होता है, और तीनों नहीं है हमारे पास, और हेल्थ सेंटर चाहिए कोई, जब कुछ कोई एजुकेशन के लिए कोई IIT चाहिए, तो कुछ भी नहीं। नंदपुर चुने हुए नुमाइंदे करेंगे ना ये सब चीजें। हाँ, अभी आपके पास उपचुनाव है यहाँ पर, क्या लग रहा है किस तरह के परफॉर्मेंस देख सकते हैं आप इस समय, लोगों के मन में क्या है, बदलाव की भावना या फिर कुछ और ही करने का? नहीं, लोगों का तो कुछ नहीं बता सकते, क्योंकि लोग तो उनका अपना अपना वो वोट है, वो किसी को डालें वो हम नहीं बोल सकते किसी को ना। सर, इस समय BJP की तरफ से इस बार आपको होशियार सिंह देखने को मिलेंगे, किसी समय में आप उसको आजाद, उनको जिस तरह से वोट करते थे आजाद प्रत्याशी के तौर पर उन्हें वोट किया करते थे, तो क्या लग रहा है इस बार
जनता चलेगी साथ या नहीं? इस बार तो कोई कुछ किसी कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे, हम तक नोटा दबाएंगे, बस नोटा दबाएंगे। ऐसा क्यों? जैसे जो समस्या आपके सामने है, जो हम रात को जो भी देखा है, पानी की समस्या, देखो जो वो देखो नलके की फोटो लो तो वहाँ पड़ा है, वो देखो मैं बताऊँ वो हैंडपम्प खोल कर रखा है, जैसे पानी की तो ये समस्या है, आने जाने का साधन कोई नहीं है, कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, ऐसी है। नहीं तो मैं बात कर रहा हूँ, नहीं वो तो आपका बिल्कुल जेन्युइन मैटर की थी, आपने वो हमने सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, मेरी बात आपसे।